तो हुदहुद विशाखापट्टनम के तटीय इलाकों से सिर्फ 30 किलोमीटर पहले रह गया है, लेकिन उसका कहर देखा जा सकता है। दो लोगों की मौत हो गई है और कैबिनेट सेक्रेटरी अजीत सेठ आज सुबह 11:30 बजे एनडीआरएफ की टीम के जो नुमाइंदे हैं उनकी बैठक लेंगे, हुदहुद पर हाल लेंगे कि क्या है। एनसीएमसी के साथ कैबिनेट सेक्रेटरी अजीत सेठ अभी 11:30 बजे कुछ देर बाद, कुछ मिनटों बाद ये बैठक लेंगे। आपको बता दें अभी तक दो लोगों की मौत हो चुकी है इस तूफान में। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट की जो टीम है उस पर ये अभी कुछ मिनटों बाद कैबिनेट सेक्रेटरी अजीत सेठ की मीटिंग होनी है। 20 किलोमीटर ये तूफान रह गया है। समरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता सीधे आंध्र प्रदेश से। समरेंद्र, क्या अभी कितनी दूर है, क्या कैजुअलिटी है और क्या बचाव के पुख्ता इंतजाम है, विस्तार में बताइए, तफसील से बताइए। देखिए, सरकार की तरफ से, केंद्र या राज्य सरकार की तरफ से अभी जो हुदहुद के मुकाबला के लिए पूरा तैयार है, लेकिन अभी 20 किलोमीटर दूर है हुदहुद अभी विशाखापट्टनम कोस्ट को टच करने के लिए, जमीन छूने के लिए। और इसके साथ ही आपका मालकानगिरी तक जहाँ पे इस साइक्लोन का असर दिखाई पड़ेगा, तो उसका भी प्रिपरेशन जोर तौर पे है। और कई करीब 46,000 लोगों को उड़ीसा में स्थानांतरित किया गया है और आंध्रा में करीब 3,00,000 लोगों को स्थानांतरित किया गया है। अभी आप किस जगह पर हैं और वहां पर क्या हालात हैं तूफान से पहले के, जरा विस्तार से बताइए। जी, इसमें मैं कोस्टल एरिया में हूँ अभी, पारादीप में हूँ, जहाँ पे हवा इतना तेज नहीं बह रहा है, 35-40 किलोमीटर हवा का रफ्तार होगा। लेकिन जो इंफॉर्मेशन हमको मिल रहा है यहीं से करीब दक्षिण के ओर, वहाँ पे हवा करीब 100 से ज्यादा होगा। अभी गोपालपुर में जैसे हवा का रफ्तार करीब 100 प्रति घंटा 100 से ज्यादा होगा और विशाखापट्टनम में करीब 180 किलोमीटर पर आवर होगा। लेकिन यहाँ पे रुक रुक में बारिश जारी है और लोग, ज्यादातर लोग अभी डरे हुए हैं, भय और आतंकित से जिंदगी बसर कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर असर पड़ा है आवाजाही है, जो ट्रेन, चाहे ट्रेन हो या उड़ान का हो या बस में हो, हर जगह पे सर्विस पे असर पड़ा है। समरेंद्र, लोग डरे हुए हैं लेकिन सरकार, एनडीआरएफ प्रशासन, इनकी तरफ से किसी तरह की सहूलियत दी गई है इन लोगों को? जी देखिए, ये आज का बात नहीं है, 8 तारीख से जब से ये पता चला कि हुदहुद आ रहा है, तभी से सरकार की ओर से ये बोला जा रहा है कि डरने का कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार हर तरफ कोशिश कर रहे हैं। और सरकार ने अभी जो खबर मिल रहा है कि 500 करीब रिलीफ कैंप बनाए हैं उड़ीसा में, जिसमें से ज्यादातर 300 करीब रिलीफ कैंप गंजाम में ही है, जो कि सबसे ज्यादा भयंकर जो हो सकता है वो गंजाम ही है उड़ीसा में और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में 5 जिला है और उड़ीसा में 8 जिला इसी साइक्लोन के चपेट में आ सकता है। लेकिन यहाँ पे जिसे उत्तरी भाग में हर जगह में करीब बारिश हो रहा है, लेकिन हवा इतना तेज नहीं बह रहा है जैसे कि आंध्र प्रदेश में और गोपालपुर में, उड़ीसा में साउथ में जो हो रहा है। जी समरेंद्र, अभी खबर आ रही है कि करीब 45,000 लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है, निकाला जा चुका है। जिस जगह पर आप हैं, तटीय इलाका है, वहां पर कितने लोगों को निकाला जा रहा है या वहां पर अभी आप अकेले मौजूद हैं? जी नहीं, देखिए यहाँ पारादीप में यहाँ ज्यादातर इवैक्यूएशन करना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर टारगेट नहीं था साइक्लोन का। हालांकि समुद्र के अंदर जो गांव है, जो केंद्रा पड़ा है, जगत सिंहपुर पे कुछ गांव है, उसमें से कई लोगों को जो कि समुद्र में किनारे बसे हुए हैं, वहां से करीब 1,000 या 2,000 लोगों को यहाँ से स्थानांतरित किया गया है।